लेटेस्ट प्रीमियम रोम का रिव्यू आ चुका है Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए, और इसे फिलहाल मैं काफ़ी देर से यूज कर रहा हूँ, कुछ घंटों से, और यहाँ पे मैक्सिमम फीचर्स वर्किंग है। लेकिन कुछ कमाल के इंटरेस्टिंग फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के साथ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है इसका कि आपको एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नए फीचर्स यहाँ पे अनलॉक हो जाते हैं और आप इसका फुल बेनिफिट ले पाओगे। तो भाई कितना ज़्यादा लकी होगा ये आप खुद नहीं सोच सकते, जिसे एंड्रॉयड 7 पे लीव किया गया था, ये आज एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है, और वो भी बिल्कुल ही लेटेस्ट फीचर्स के साथ, जो कि हमें फ्लेक्सिप टाइप वाले फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है MIUI 12 के ऊपर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, क्योंकि ये प्रीमियम रोम प्रीमियम फीचर्स को भी कैरी करता है और आपको इसे यूज करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका Antutu का स्कोर 102378 देखने को मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉइस चेंजर, जो कि प्रॉपर काम करता है, तो इसका आप बेनिफिट गेमिंग के टाइम पे ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। हार्डवेयर जो बटन लाइट है ये भी हमारा वर्किंग है, तो यहाँ पे भी आपको बटन लाइट फिक्स मिलता है। साथ ही साथ अभी Mi 11 और Mi 10 Ultra के अंदर 90 FPS का रिकॉर्डिंग ऑन किया गया था, वो आपको यहाँ पे भी मिलता है, और आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमारा FM भी काम कर रहा है, जो कि बहुत सारे यूजर्स डिमांड करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पे 90 FPS का आपको फीचर्स मिल जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम इस टाइप के फ़ोन के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि ये सारे फीचर्स Mi 10 Ultra वगैरह के लिए है जो प्रोवाइड किए गए थे और 11 वगैरह के लिए, जबकि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी टेस्ट किया है तो अच्छे से काम कर रहा है, और काफ़ी अच्छा खासा आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा 90 FPS यूज करने पे, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। साथ साथ यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर भी काम करता है, और एंड्रॉयड 11 होने की वजह से आपको हल्का फुल्का एंड्रॉयड 11 का फीचर्स भी देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो जब भी मैं बैक करूंगा तो वॉलपेपर में आपको जूम इन एंड जूम आउट का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो एंड्रॉयड 11 की वजह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैमरे के अंदर वाटरमार्क वगैरह का प्रॉब्लम था पहले पोर्ट रोम के अंदर, बट यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है, तो कोई भी आप फोटो वगैरह क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सही तरीके से वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप अगर फोटोज वगैरह को ऑनलाइन स्टोर करना पसंद करते हो तो गूगल फोटो को जो स्टोरेज हमें मिलता है लिमिटेशन, उसे अनलिमिटेड कर दिया गया है, तब आपको यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, तो जितना चाहो उतना आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो फोटोज वगैरह को, तो ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। और एंड्रॉयड 11 के होने की वजह से आप यहाँ पे वीडियो कॉल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो कॉल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे आपका ब्लूटूथ भी वर्किंग रहेगा, तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूजर्स डिमांड करते हैं कि भाई हम रूट करना पसंद नहीं करते हैं और बैंकिंग ऐप यूज करना चाहते हैं, सो डोंट वरी, यहाँ पे डिवाइस बिल्कुल ही सर्टिफाइड रहेगा, तो आपको रूट करने की जरूरत नहीं है। बट आप रूट यूजर्स हो या रूट के यूज से कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे रूट भी कर सकते हो, और रूट करने के कंडीशन में भी आपका बैंकिंग का ऐप अच्छे से काम करेगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अबाउट की अगर हम चेकआउट करें तो आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलता है, जो कि इस बार का वीकली अपडेट था 21.2.3, जिसे कूल ड्रैगन की तरफ से जो पोर्ट किया गया है हमारे डिवाइसेज के लिए, और ये एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है, जिस पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है 2021.21 का। और यहाँ पे आप देख सकते हो 4.9 का कोई डिफरेंट कर्नल यूज किया गया है, जिसकी वजह से आपको वीडियो कॉल का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है, और सारे जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के वीकली फीचर्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो इधर से आप अपने कंट्रोल सेंटर वगैरह को ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और ये फुल्ली वर्क करता है, तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नीचे फिर आपको दिखाई देता है Xiaomi पार्ट्स, FPS मीटर वगैरह, जो कि गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और यहाँ पे MI साउंड इनहेंसर भी देखने को मिलता है, FPS का जो मीटर है वो भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, डिस्प्ले का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कलर का, और यहाँ पे एम्बियंस रिलेटेड भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि वर्किंग है, और बाकी अदर एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कमी है कि अगर आप म्यूजिक वगैरह लिसन करोगे तो आपको इस ब्लूटूथ के अंदर आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो ये जैसे पहले वाले में बग था अभी भी है, बट इसे आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए एक बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन का आपको यूज करना पड़ेगा।
तो बस आपको अपने हेडफोन को कनेक्ट करना है ब्लूटूथ की हेल्प से, और इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इसे कनेक्ट कर लेना है अपने हेडफोन को। उसके बाद आप म्यूजिक लिसन वगैरह यहाँ पे कर पाओगे और आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से विजेट देखने को मिलेगा जिसे आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ऑन भी कर सकते हो। तो ऑन करने के बाद आपको जब म्यूजिक लिसन का बेनिफिट मिल पाएगा अपने ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह में, तो इससे रिलेटेड आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है ऑन करने के बाद, और उसके बाद ये एक्सेस लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे इसका जो प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर पाओगे और फुल बेनिफिट अपने म्यूजिक का ले सकते हो। अगर हम कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग हमारा वर्किंग है, बट जो हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये कभी कभी दिक्कत करता है, तो इसे भी फिक्स करने का यहाँ पे उपाय किया गया है जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉल कनेक्ट करते हैं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हाथ लाते ही ऑफ हो जा रहा है, तो ये सेंसर हमारा वर्किंग है। लेकिन दोबारा लाइट अप करने के लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट का यूज करना होगा या फिर आपको अपने पावर बटन का यूज करना होगा, तभी ये लाइट अप हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉक्सिमिटी वर्किंग देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ में यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इसे आप चाहते हो कि फिक्स हो जाए और वर्किंग हो, तो ये जो ऑप्शन आपको दिया गया एप्लीकेशन का, इसे आपको यूज करना है और यहाँ पे इसे कुछ परमिशन वगैरह आपको अलाउ करने होंगे। उसके बाद आपका जो सेंसर है जो काम नहीं कर रहा था वो आपका फिक्स हो जाएगा, और इसके हेल्प से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी आपको बाय डिफॉल्ट इस रोम के साथ देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। वहीं पर आएगा आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक और चीज़, वो है हमारा ऑलवेज ऑन का सपोर्ट। ये प्रॉपर काम करता है और MIUI 12 के क्लॉक को सपोर्ट करता है, यानी अनलिमिटेड आप यहाँ पे इसके क्लॉक्स को डाउनलोड कर सकते हो इसके थीम स्टोर से और आप यूज कर पाओगे। और ये फुल्ली स्टेबल है तो आप इसे परमानेंट ऑन रख सकते हो जितना देर चाहो उतनी देर। लेकिन हमारा डिस्प्ले अमोलेड नहीं है जिसकी वजह से आपको बैटरी ड्रेन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि भाई इसे आप 10 सेकेंड के लिए अप्लाई रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एज लाइट वगैरह का इफेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से वर्किंग है जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो इससे रिलेटेड, तो इस यहाँ पे आपको फुल्ली ये फिक्स्ड देखने को मिल जाता है। होम की सेटिंग्स में वही सारे आपको कस्टमाइजेशन मिलते हैं जो कि हमेशा मिलते हुए आए हैं, तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको वर्किंग मिलेगा। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होम स्क्रीन पे आते हैं और इधर आते हैं ऐप वैलेट पे, तो आप देख पा रहे हो पहले काफी ज्यादा लैग देखने को मिलता था, बट यहाँ पे ऐसा लैग नहीं है। और अगर हम इसके आइकन के ऊपर टैप करें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि हेडलाइन, मैनेज और यहाँ पे फेवरेट। तो अगर आप फेवरेट पर टैप करोगे तो जो कुछ भी आपने थीम स्टोर में फेवरेट किया होगा कभी, वो सब फेवरेट की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है जो कि मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और ये काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल फीचर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे आते हैं तो यहाँ पे प्राइवेसी, बैटरी और एडिशनल का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे रीजन हमारा वर्किंग है और नेबर वगैरह भी देखने को मिलता है। क्लियर स्पीकर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अगर हम अपने साउंड इफेक्ट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है ये भी हमारा वर्किंग है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है। बस आपको हेडफोन को इन करना है अगर आपके पास वायर्ड ईयरफोन है तो, और उसके बाद आप इसके साउंड इफेक्ट का बेनिफिट ले पाओगे, कोई भी इशूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको यहाँ पे देखना है कि साइन सही दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, उसके बाद ये अच्छे से काम करता है। या फिर आपको यहाँ पे जो Xiaomi पार्ट्स के अंदर दिया गया है शॉर्टकट्स वगैरह उसका भी आप यूज कर सकते हो, और आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस है ये पिन करने का भी फीचर हमें मिल जाता है एंड्रॉयड 11 के वजह से। तो मैक्सिमम एंड्रॉयड 11 की वजह से नए फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें एंड्रॉयड 10 पे पहले नहीं मिल पा रहे थे, तो इन सभी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। रही बात कि इस प्रीमियम रोम का चिनलॉक क्या है, तो चलिए चिनलॉक के ऊपर एक नज़र। यहाँ पे आप देख सकते हो जो SMS प्रॉब्लम था वो फिक्स हो चुका है जियो का, ब्लूटूथ और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो कि प्रॉब्लम था वो ऐप के हेल्प से फिक्स हो चुका है और बाय डिफॉल्ट ये सर्टिफाइड रहता है। साथ साथ ब्राइटनेस स्लाइडर में कुछ गिल्च वगैरह था उसे फिक्स किया गया है, ओवरक्लॉक किया गया है, बैटरी ड्रेन थोड़ा ज़्यादा था उसे फिक्स कर दिया गया है, और यहाँ पे MI जो साउंड इन्हेंसर वगैरह है जो कि काम कर रहा है मैंने आपको दिखा दिया है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कि 90 FPS को सपोर्ट कर रहा है जो कि Mi 10 Ultra और Mi 11 में प्रोवाइड किया गया था, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो गूगल का फोटोज़ है इसमें जो स्टोरेज पहले लिमिटेड रहता था उसे अनलिमिटेड कर दिया गया है। तो अगर हम आते हैं अपने फोटोज़ के ऊपर, तो अगर आप फोटोज़ वगैरह यूज करते हो और ज़्यादा स्टोर करते हो ऑनलाइन तब आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है उनके लिए जो कि ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर करते हैं स्टोर करना। साथ साथ यहाँ पे Xiaomi का एडोन वगैरह ऐड किया गया है जो कि मैंने आपको बता दिया है, और बहुत सारे फिक्सेस किए गए हैं, और कास्ट स्क्रीन भी बहुत सारे यूजर्स ने बताया है कि वर्किंग है, तो ये भी आपको फिक्स मिल जाता है। तो इस रोम के साथ मैक्सिमम फीचर्स आपको वर्किंग मिलता है। और चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ साउंड असिस्टेंट के बारे में भी। तो आप देख पाओगे यहाँ पे अगर मैं इसे प्ले कर दूँ तो उसके बाद यहाँ पे हमें वर्किंग देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आप लिसन कर रहे हो कि ये फिलहाल मेरा जो हेडफोन है ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ वगैरह का फुल बेनिफिट ले सकते हो और ये अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ इस बार कि जितने भी फीचर्स है सबको फिक्स कर दिया गया है और सबका बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम ज्वाइन होना होगा ताकि आप इसके फीचर्स को यूज कर पाओ और इस रोम को बाय कर पाओ। और आपका क्या ख्याल है इस रोम के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार जितने भी एडवांस फीचर्स थे वो सब कुछ हमें मिल जाते हैं और जो प्रॉब्लम था उसे भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर भी आपको मिलता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे यूज करोगे और जब भी आप इसे रीस्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा ताकि ये स्मूथ काम कर सके। लेकिन आप अगर ऑन होते ही इसे यूज करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो रीस्टार्ट के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, करीब करीब 30 सेकेंड का। यहाँ पे आप देख सकते हो बूट एनिमेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और मॉर्निंग में मैंने हेलस रोम का रिव्यू प्रोवाइड किया था जो कि एंड्रॉयड 10 पे था और मैंने कहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, यानी अनहैप्पी था, उस रोम के अंदर फीचर्स बहुत कम थे इसके वजह से। बट ये एंड्रॉयड 11 होने की वजह से बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे डिवाइस के लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जो एंड्रॉयड 7 पे लीव किया गया था आज एंड्रॉयड 11 के साथ इतने एडवांस फीचर्स को यूज करने का बेनिफिट दे पा रहा है। और ये Redmi Note 4 भाई लाजवाब है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।